गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ लैंड रिवेन्यू कोड यानी कि भू राजस्व संहिता 1959 का फोर्थ पार्ट। इसके पहले के तीन पार्ट में हमने तकरीबन 13 से 14 चैप्टर्स कवर किए थे। यहाँ पर 15वें चैप्टर से 19वें चैप्टर, जो लास्ट चैप्टर है दैट इज़ 19, ठीक है, टोटल 19 चैप्टर्स हैं इस CG लैंड रिवेन्यू कोड में, ठीक है। 264 धाराएँ हैं, 264 19 चैप्टर के जो लास्ट, जो 15 के से 19 के बीच का चैप्टर है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले कुछ ऐसे वर्ड्स हैं राजस्व यानी कि रेवेन्यू मंडल, राजस्व मंडल में जो काफ़ी ही मतलब उर्दू से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो बहुत कठिन हैं, तो उनके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। जैसे कि वाजिब उल दर्ज का मीनिंग होता है निजी ज़मीन का सार्वजनिक उपयोग, हलफनामा शपथ पत्र को कहा जाता है, खसरा से रिलेशन है भूमि क्रमांक का, और रकबा कहलाता है क्षेत्रफल। तो आगे बढ़ने से पहले, MCQs लेने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हम देख लेते हैं। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि राजस्व दस्तावेज़ों में 371 साल पुरानी मुगलकालीन शब्दावली के फेर में अधिकारी तो चक्कर में आ ही रहे हैं, और पटवारी बनने के लिए जो प्रशिक्षणार्थी हैं वो भी काफ़ी मुश्किल में, उनको पढ़ने में काफ़ी मुश्किल होती है, ठीक है। तो राजस्व दस्तावेजों में दर्ज कम से कम 45 उर्दू और फारसी वर्ड हैं जो काफ़ी कठिन है, और इसकी शुरुआत टोडरमल ने की थी, ठीक है। टोडरमल कौन थे? नौरत्न थे, मुगल शासक अकबर के नौरत्नों में से एक थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से हैं, ठीक है। रकबा जैसे कि हमने देखा क्षेत्रफल को कहा जाता है, खसरा भूमि क्रमांक को कहा जाता है, और ये इम्पॉर्टेंट है वाजिब उल दर्ज निजी ज़मीन का सार्वजनिक उपयोग को वाजिब उल दर्ज कहा जाता है, ठीक है। और तितम्मा मिलन, तितम्मा मिलन होता है हल बैल कृषि यंत्र की गणना जो होती है। हलफनामा हमने देखा, शपथ पत्र को कहा जाता है। अब चाहें तो इसे पॉक्स, देखिए बख्शीश, आप देखे होंगे सरकारी जब ऑफिस में आप जाते हैं तो वहाँ जो जनरली चपरासी लोग आपसे कहते हैं कि आप कुछ बख्शिश दे रही है, तो बख्शिश मीन्स वही उपहार या दान, ये तो हमको पता है, लेकिन कई ऐसे वर्ड्स भी हैं जो हमें नहीं पता होते हैं, ठीक है। आपको इसका कैफियत यानी कि स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। चलिए 15वां अध्याय लेते हैं जो कि है जलोढ़ तथा जल प्लावन, ठीक है। देखिए जल प्लावन का मतलब होता है जो बाढ़ वाड़ जो आ जाती है ना पानी से नदियों से, ठीक है। तो डैश को संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है, जलोढ़ को नहीं किया गया है। जलोढ़ एक का रिलेशन है मिट्टी से, ठीक है, एक तरह की मिट्टी होती है, भूमि, भूमि का मतलब ही होता है मिट्टी, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जलोढ़, जलोढ़ को परिभाषित नहीं किया गया है। फलोद्यान को परिभाषित किया गया है, बकाया को किया गया है, और सहकारी सोसाइटी को भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां जल प्लावन द्वारा किसी खाते के क्षेत्रफल में आधे हेक्टेयर से अधिक की कमी हो जाए, ठीक है, वहां ऐसे खाते के संबंध में जो आपका रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपकी किसी भी इस तरह के उससे आपकी ये होता है ना, बाढ़ वाड़ आ गई हो और बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई हो, और उस वजह से जो है अगर आपकी आधे हेक्टेयर से ज़्यादा की जो भूमि है, ठीक है, वो आपकी ख़राब हो गई, मान लीजिए आपके यहाँ से निकल गई, तो आपका भू राजस्व कम कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजस्व संहिता के अध्याय 15 के अधीन निर्धारण करने तथा विवादों को विनिश्चित करने की शक्ति SDO को है, ठीक है, SDO सब डिविजनल ऑफिसर उपखंड अधिकारी को है। ये अगला अध्याय लेते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था ऊपर वाला अध्याय। 16वां अध्याय लेते हैं, खातों की चकबंदी। देखिए इसमें एक पीछे हम जो देखेंगे ना, आखिरी जो है 19वां अध्याय जो है वो है मिसेलेनियस, उसमें मिक्स्ड क्वेश्चन है, उसमें से सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब देखिए चकबंदी, चकबंदी क्या होती है पहले मैं आपको बता दूँ। चकबंदी क्या होता है कि दो तरीके से इसको देखा जाएगा, जैसे कि जो बड़ी भूमि है, ठीक है, उसको छोटे छोटे भाग में अगर बांट दिया जाए, उसकी चकबंदी कर दी जाए, उसी तरह से अगर कोई छोटी भूमि है उसको बड़े भूमि में, छोटी छोटी भूमियों को मिला के एक बड़ी भूमि में चक कर दिया जाए, तो डेट इज़ कॉल्ड चकबंदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चकबंदी अधिकारी निम्न में से किस पदश्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी का राजस्व अधिकारी होता है? तहसीलदार, ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चकबंदी अधिकारी को यह निर्देश दे सकेगा कि वह किसी गाँव में खाते की चकबंदी साध्य होने के बारे में जाँच करे? ओनली एंड ओनली कलेक्टर,
ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए इसमें आ और बा दोनों ही सही हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। 17वां, ग्राम अधिकारी, ठीक है। तो इसमें हमको देखना है ग्राम पटेल नियुक्त किया जाता है, ग्राम पटेल कलेक्टर द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। और इसकी जो धारा है 222 के अधीन गांव के पटेलों की नियुक्ति भी वही करेगा, कलेक्टर ही करता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, भू राजस्व संहिता की किस धारा में पटेल के कर्तव्य विहित है? 2, 2, 2 और 2 होता है 4, ठीक, 224। भू राजस्व संहिता के अंतर्गत नियुक्त पटेल का निम्न में से कौन सा कर्तव्य नहीं है? तो देखिए वो जो भू अभिलेख जो रखता है ना, जो लैंड रिकॉर्ड नहीं रखता है वो, ठीक है, जो पटेल जो है वो लैंड रिकॉर्ड नहीं रखता है। आगे बढ़ते हैं, उसके लिए लैंड भू अभिलेख अधिकारी अलग होता है, पटेल नहीं करता हो। किसी पटेल को उसके पद से कौन हटा सकता है? बिल्कुल कलेक्टर हटा देगा उसको। लेकिन आगे बढ़िए, देखिए एक और क्वेश्चन है, 224 जो धारा है ऊपर जो हमने देखा, ये जो 224 धारा है ना, उसके कर्तव्य जो दिए हुए हैं, तो उसके अधीन सौंपे गए किसी भी कर्तव्य को पालन अगर वो नहीं कर पाया, ठीक है, मैं उपेक्षा करना पाया गया उसमें, तो उसे दंड तहसीलदार देगा। दिस ये क्वेश्चन आया है और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नियुक्ति व्यक्ति सब कलेक्टर करेगा, पर वो जो काम ठीक से नहीं कर रहा है तो उसको दंड तहसीलदार देगा। आगे देखिए एक और, पटेल पर उसकी उपेक्षा के लिए जुर्माना जो है वो उसको 1000 रुपये जुर्माना उस पर लग जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए ये भी उससे ही रिलेटेड है। जब कोई पटेल अस्थायी रूप से उसके कर्तव्यों को करने में असमर्थ हो जाए, अपने कर्तव्यों को करने में असमर्थ हो जाए, तो कौन प्रतिस्थानी पटेल नियुक्त कर सकेगा? देखिए यहाँ दंड वंड नहीं मिल रहा उसको, उसके बदले दूसरा पटेल, ये SDO करेगा। देखिए ये SDO, तहसीलदार, कलेक्टर, ये सब समझ रहे हैं ना, ये सब बिल्कुल एक जैसे ही हैं, ये इसको आपको थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा ये। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, जब कोई पटेल अस्थायी रूप से उसके कर्तव्यों को करने में असमर्थ हो जाए तो अधिकतम कितनी अवधि के लिए प्रतिस्थानी पटेल? 6 माह के लिए दूसरा पटेल आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बुरा संहिता की कौन सी धारा कोटवारों की नियुक्ति तथा उनके कर्तव्यों का उपबंध करती है? यह है 230, 230। आइए लेते हैं अगला अध्याय, आबादी के ऊपर है ये। आबादी तथा दखल रहित भूमि में और उसकी उपज में किसका अधिकार होता है, ये देखेंगे हम इसमें। निस्तार पत्रक से निम्नलिखित भूमि का समावेश होगा, समस्त दखल रहित भूमि इसका आंसर है। निस्तार पत्रक कौन तैयार करता है? SDO करता है, ठीक है, SDO उपखंड अधिकारी करता है। निम्न में से कौन सा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विषय जिसके लिए निस्तार पत्रक में उपबंध नहीं होता है, वे निबंध तथा शर्तें जिन पर मछली पकड़ने का अधिकार कोई निवासी अभी प्राप्त कर सकता है, ठीक है, नहीं पूछा है ना, नहीं है। चलिए निस्तार अधिकारी, ये निस्तार वाला है, निस्तार निस्तार निस्तार। चलिए हम आगे देखते हैं, दूसरा टॉपिक देखते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं, ये देखिए आ गया यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, ये ना वाजिब उल अर्ज वाला। चलिए ऊपर देखते हैं, ये तो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा के ऊपर है। हम अपना नीचे अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम का वाजिब। वैसे मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता और छत्तीसगढ़ बिल्कुल सेम है, सिवाय जो ये हुए हैं चेंजेस हुए हैं, जो क्या बोलते हैं आपके अमेंडमेंट्स जो हुए हैं, ठीक है, तो अमेंडमेंट्स बस अलग हैं, बाकी पूरा सेम है। उधर कुछ अमेंडमेंट्स अलग हुए हैं मध्य प्रदेश में, हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ अलग हुए हैं, और वही इंपॉर्टेंट है उसका। इस वीडियो के जस्ट बाद आज शाम तक ही मैं जो 2011 में हुआ है, 12 में हुआ है, 14 में हुआ है, 16 में हुआ है, 17 में हुआ है, जो अमेंडमेंट्स हुए हैं इस भू राजस्व संहिता में, उसका वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। छोटा सा वीडियो रहेगा वो, बहुत ही आसानी से आपको, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, उनके आने के चांस ज़्यादा हैं। चलिए आगे देखते हैं, ग्राम का वाजिब उल अर्ज संधारित किया जाता है इसके द्वारा। पहले मैं बता दूं, जैसे हमने पीछे देखा था, वाजिब उल अर्ज होता है आपकी निजी ज़मीन पर सार्वजनिक उपयोग, ठीक है, आप अगर अपनी निजी ज़मीन का सार्वजनिक उपयोग कर रहे हैं, डेट इज़ कॉल्ड वाजिब उल अर्ज। तो ये SDO का आंसर है, किसके द्वारा किया जाता है, संधारित किया जाता है, उपखंड अधिकारी के द्वारा, ठीक है, संधारित पूछा है। भू राजस्व संहिता 59 के अंतर्गत ग्राम का जो वाजिब उल अर्ज संधारित किसके द्वारा किया जाता है, वही यह सेम क्वेश्चन है, उपखंड अधिकारी द्वारा। भू राजस्व संहिता 59 के अंतर्गत वाजिब उल अर्ज में ग्राम के किन अधिकारों का इंद्राज रहता है? तो ये केवल सिंचाई के अधिकार, ये सभी है, तो इनमें से सभी के अधिकारों का इंद्राज रहता है, ठीक है। वाजिब उल अर्ज अभिलिखित नहीं करेगा,
पीने का पानी का अधिकार बिल्कुल अभिलिखित नहीं करेगा, ठीक है। बाकी सिंचाई का अधिकार होगा, मार्गदर्शिका का होगा, मछली पकड़ने का अधिकार भी होगा, यानी कि आपकी निजी ज़मीन पर जो होगा ये सार्वजनिक तरीके चीज़ें आप कर सकते हैं। पीने के पानी का अधिकार नहीं है उसमें, ये कोई ऑप्शन ही नहीं है असल में। चलिए, वाजेपुर अर्ज में क्या अभिलिखित नहीं किया गया है? तो ये कृषि पशुओं को चराने का अधिकार बिल्कुल भी अभिलिखित नहीं है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ नहीं है। बाकी सिंचाई का अधिकार लिखा हुआ है, मछली पकड़ने का अधिकार के बारे में दिया है, मार्ग अधिकार के बारे में दिया है। कोई व्यक्ति नेक्स्ट वाजिबुल अर्ज में की गई किसी प्रविष्टि से व्यथित होने पर सिविल न्यायालय का दावा संस्थित कर सकता है। ऐसी प्रविष्टियों को निरस्त करने या उपांतरित करने के लिए ऐसे अभिलेख के प्रकाशन की तारीख से 1 वर्ष तक का समय रहेगा, ठीक है। कौन आबादी क्षेत्र में पट्टे पर आबादी स्थलों का आवंटन करेगा? तहसीलदार करेगा। चलिए, एक पेज और है इसमें, देख लेते हैं, 2 पेज है। चलिए, भू राजस्व संहिता के अंतर्गत वाजिबुल अर्ज के प्रकाशन के कितने समय के अंदर? 1 वर्ष, अभी तो पढ़े होंगे। कोई भी व्यक्ति जो विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना किसी खान या खदान से खनिजों को निकालेगा या हटाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये वह ऐसी शक्ति का भुगतान करने का दायी होगा जो इस प्रकार निकाले गए या हटाए गए खनिजों के बाजार मूल्य के 4 गुना के हिसाब से संगठित राशि से अधिक नहीं होने की, 4 गुना ही। अनाधिकृत रूप से आधिपत्य लेने वाले व्यक्ति पर भू राजस्व संहिता की धारा 248 के अंतर्गत जुर्माना करने का अधिकार तहसीलदार का होगा। और फिर 248 और 250 धारा आ गई है, देखिए इसमें 250B वाली धारा बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम अगले पेज में देखेंगे 250B। चलिए, 250 क्या है ये देख लेते हैं। राजस्व संहिता के तहत कार्रवाई करने हेतु कौन राजस्व अधिकारी अधिकृत है? ये भी तहसीलदार है। भू राजस्व संहिता की धारा 249 के अनुसार राज्य सरकार निम्नलिखित से किसके विनियम के लिए नियम बना सकेगी? सभी के लिए बनाएगी, तालाबों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, और पदार्थ राज्य सरकार की भूमियों से किन पदार्थ को हटाने के लिए। यदि किसी भूमि स्वामी को भूमि से विधि के सम्यक अनुक्रम में बेकब्जा ना करके अन्यथा बेकब्जा कर दिया हो तो कौन कब्जा वापस दिलाने का आदेश देगा? तहसीलदारी देगा, तहसीलदार। इस तरह के क्वेश्चन देखिए, इसमें ना अलग अलग अध्याय में अलग अलग लोगों ही मेन है, ठीक है, वही चीज़ आपको याद रखना है। कोई भू स्वामी अपनी भूमि पर गैर कानूनी तरह से बेदखल कर दिया गया तो वह संहिता की धारा 250 की, वही है, ये तो तहसीलदारी है, फिर से तहसीलदार। चलिए, ये देखिए, भूमि के आवंटित के पक्ष में भूमि खाली करना धारा डैश के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, 250B, बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है 250B, ठीक है। तो क्या है ये, भूमि के आवंटित के पक्ष में भूमि खाली ना करना, ठीक है, अगर आप भूमि खाली नहीं कर रहे हैं तो कब्जा हो जाता है ना, वही वाला चीज़ है, ठीक है। उसके बाद ये तो मध्य प्रदेश, ये देखिए ये जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250B, वैसे ये छत्तीसगढ़ की भी सेम ही है ना, CG भू राजस्व संहिता भी यही है 250B में। इसमें जो है संज्ञेय तथा अजमानती अपराध 250B के अधीन जो अपराध होगा वो क्या होगा, संज्ञेय होगा और अजमानती अपराध। देखिए, संज्ञेय का मतलब होता है जिस अपराध के लिए जो पुलिस आपको पकड़ने आएगी तो उनके पास वारंट की ज़रूरत नहीं होगी मजिस्ट्रेट की, वो एकदम संगीन अपराध होगा, ये संगीन, संज्ञेय मीन संगीन अपराध, पुलिस तुरंत आके आपको उठा के ले जाएगी, आप वारंट मांगते रह जाएंगे, वो कुछ नहीं बोलेगा, सीधा उठा के ले जाएगा, ठीक है। और अजमानती भी वही होता है, जिसमें ज़मानत नहीं होती, आपको याद होगा 1860 की धारा जो हमने की थी 124, जिसमें ज़मानत नहीं होती है, वो कन्हैया कुमार पे लगी थी और वो पाटीदार आंदोलन वाले अपने गुजरात के हार्दिक पटेल पे लगी थी, गांधी जी पे भी एक समय लग चुकी है, पत्रिका जो थी उनकी, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक पत्रिका लिख दी थी यंग इंडियन में, कुछ उल्टा सीधा लिख दिया था, तो उनके ऊपर भी 124 लगी थी, गैर जमानती 124B, लेकिन वो 1860 में है, IPC की 1860, IPC 1860, इंडियन पेनल कोड 1860 की धारा 124 की मैं बात कर रहा हूँ आपको, मैं वो याद दिला रहा हूँ, ये अलग चीज़ है ना, ये हम अभी दूसरा टॉपिक कर रहे हैं, ये भू राजस्व संहिता की धारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भू राजस्व संहिता की धारा 250B के अंतर्गत अपराध है, वही है संज्ञेय तथा अजमानती, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। संज्ञेय संहिता के प्रावधान का उल्लंघन होने पर धारा 253(1) में दंडित करने की शक्तियां SDO को दी गई हैं। भू राजस्व 1959 की धारा 253 के अधीन उपबंधों के उल्लंघन के लिए अधिकतम शास्त्री ₹50,000। देखिए, प्रकीर्ण मीन्स मिसलेनियस आ गया, धारा 19, अगर इस टॉपिक से सवाल पूछा जाएगा तो आप मान के चलिए सिर्फ 1 या 2 पेज है ये मिसलेनियस का, इसके एक एक क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, और उसके बाद शाम को जो वीडियो आएगा
वो आपके अमेंडमेंट के ऊपर, संशोधन के ऊपर, 2010 के CMO में एक भी सवाल नहीं पूछा गया था क्योंकि उस समय हुआ ही नहीं था। इस बार कम से कम 2 सवाल आएंगे उससे। चलिए, लैंड रेवेन्यू कोड 1959 की धारा 257 का संबंध है रेवेन्यू प्राधिकारियों के अत्यंतिक क्षेत्राधिकार से। छत्तीसगढ़ CJ में आया था ये सवाल। क्या सिविल न्यायालय द्वारा अधिकार अभिलेख में किए गए इंद्राज को बातिल और शून्य किया जा सकता है? हाँ, सिविल न्यायालय के अधिकारिता में ये है। भू राजस्व संहिता की धारा 257 के अधीन निम्नलिखित मामलों में से किसमें सिविल न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता वर्जित नहीं है? नहीं है तो सरकारी पट्टे की बेदखली में तो है, भूस्वामी के पट्टेदार की बेदखली में भी है, और निस्तार पत्र की किसी प्रविष्टि को उपांतरित करने बाबत दावा में भी है। आंसर हो जाएगा डी, इसमें नहीं है। तहसीलदार द्वारा भूमि स्वामी की भूमि में भू राजस्व संहिता के अंतर्गत रास्ते अथवा पानी लेने के अधिकार संबंधी सुखाधिकार का आदेश पारित किया गया, क्या सिविल न्यायालय की घोषणा अथवा निषेधाज्ञा संबंधी वाद सुनवाई करने की अधिकता वर्जित है? संहिता की धारा 257 के अंतर्गत सिविल न्यायालय की अधिकारिक वर्जित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है वर्जित, ये बिल्कुल है। निम्न में से किस विवाद की सुनवाई की अधिकारिकता राजस्व प्राधिकारियों को नहीं है? स्वत्व का निर्धारण का नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा ना। बुरा संहिता की धारा 248 के तहत पारित आदेश को सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, बिल्कुल नहीं दी सकती है, क्योंकि 248 के तहत पारित आदेश है ये। 248 बिल्कुल याद रखिएगा, 2 का 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बुरा जो संहिता 1959 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मामला प्राधिकारियों राजस्व प्राधिकारी के अनन्य क्षेत्र के अधीन नहीं है? नहीं है पूछा है, तो ये जो लास्ट वाला इसका आंसर है, किसी भी ऐसे अधिकार से जो अधिकार अभिलेख में अभिलेखित हो तो संबंध कोई भी ऐसा विवाद जिसमें राज्य सरकार पक्षकार ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन ही बचे हैं। अधिकार अभिलेख में अभिलेखित अधिकार से संबंधित विवाद जिसमें राज्य शासन पक्षकार ना हो को विनिश्चित करने की अधिकारिता प्रदत्त की गई है सिविल न्यायालय को। देखिए, आप देख रहे होंगे कि मिसलेनियस में सबसे ज़्यादा सवाल सिविल न्यायालय के ऊपर पूछा जा रहा है, और इसको हमने कोई एक चैप्टर में पीछे हमने देखा था कि अगर भू राजस्व संहिता में कोई चीज़ ऐसी नहीं लिखी हुई है, सामने वाला अगर आपको बोल रहा है आकर कि उस पर ये चीज़ नहीं लिखी है, हम क्या करें करके, तो वो सिविल न्यायालय का मान्य होगा उसमें, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। लास्ट वाला, भू राजस्व संहिता 59 के उपबंध किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगा जो केंद्र सरकार से भूमि धारण करता हो। चलिए दोस्तों, तो 4 पार्ट में हमने पूरे 19 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं उसके MCQs, और बस मैं लास्ट जो है छोटा सा एक वीडियो संशोधन के ऊपर बना दूंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। उप्स।